2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर दौरा है, जिसको लेकर की पुलिस और प्रशासन ने मिलकर तैयारियां पूरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 5,000 जवानों की तैनाती की जाएगी और बता दें कि 1 सैकड़ा से अधिक अधिकारी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए पुलिस के अधिकारियों ने जिम्मेदारी बांटनी भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा और जमीन से आसमान तक पुलिस की निगरानी रहेगी। वहीं VIP के आगमन के दौरान VIP रूट प्लानिंग, फिक्स बैरिकेड्स के साथ में जवानों की तैनाती पर भी काम शुरू कर दिया गया है। ASP क्राइम ब्रांच ऋषिकेश मीणा ने कहा है कि VIP मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के लिहाज से सभी एंगलों पर काम किया जा रहा है। बता दें कि मेला मैदान में आयोजित होने वाली प्रस्तावित जनसभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। अभी संभावित डेट 2 तारीख की आई है, तो अभी हमारे पास पूरा कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन उसकी जो हमारी प्रिलिमिनरी तैयारियां हैं वो चालू हो गई हैं और उसके लिए सर्वे, लोगों के जो आने जाने वाले हैं, होटल लॉज, धर्मशाला, किराएदार, इनकी भी सर्चिंग चालू करा दी है और संभावित जो जगह हैं वो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आज कल में प्रोग्राम आ जाना चाहिए, तो फिर उसकी तैयारी करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए हमारी हेडक्वार्टर से भी बात हुई, तो हमारे पर्याप्त संख्या में बल और अधिकारी भी मिलेंगे और इसकी व्यवस्था अच्छी की जाएगी।